हम लोग 3 साल पहले स्टार्ट किए थे फातिमा ओल्डेज होम, और ये हम लोग विदाउट एनी नॉलेज हम लोग स्टार्ट किए ये चीज़। मेरे वालदा की तबीयत ख़राब होने से मैं अपना सब कुछ छोड़ के इधर आया हूँ हैदराबाद। मेरे दिल में कैश थी और मेरे बहन भाई हम लोग मिलकर ये स्टार्ट किए हैं, लगभग 3 साल कम्प्लीट किए। आज पहले स्टार्ट किए थे हम लोग के पास 5 लोग थे, आज अलहमदिल्ला आज 24 लोग हैं। हर किसी की अपनी अपनी अलग कहानी है। अगर देखा गया तो जैसे कि कहावत है कि एक माँ जो है 10 बच्चों को आराम से पाल सकती है, आज 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते, ये वाकई हकीकत बात है। यहाँ आके आपको पता चलेगा कि वाकई किस मुसीबत से ये लोग गुजरे हैं, और क्योंकि एक एक की अपनी अपनी कहानी है जो बहुत दर्दनाक कहानी है, सब कुछ रखते हुए आज वो लोग ओल्डेज होम में रहें। हमारा मकसद ओल्डेज होम में ऐसा ये लोग को जितने भी दिन इनके पास है उसको अच्छे से अच्छा रखना, अच्छे से जितने भी दिन चाहे किसी के पास 1 दिन होगा, 1 महीना होगा, 1 साल होगा, अच्छे से अच्छा रख के, अच्छे से अच्छा खा के पी के सेहत रखने की हमारी ख्वाहिश है, और अलहमदिल्ला हम इस ख्वाहिश के उपयोग कर रहे हैं। सर, इसके लिए आपको कोई तावन करता है? देखिए, हम लोग के पास हम लोग अपने बल पे स्टार्ट किए थे। आज जैसे जैसे मैं अकेला ही चलाता जाने की मंजिल में गए, लोग मिलते गए, तलाबा बनता गया, इसी तरह से लोग मिलते जा रहे हैं। आज एक दाऊद भाई भी हमारे साथ इतनी हमारे को सपोर्ट किए हैं, आज हम वाकई तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं दाऊद भाई, डॉक्टर शफी साहब, मीडिया का, हम लोग जो जिस तरह से हम लोग के लिए एक सरप्राइज़ हुआ है, ये हम लोग कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे, ना हम लोग कभी मार्केट में या किसी मीडिया वालों के पास हम लोग कभी कोशिश भी नहीं किए थे। आज अलहमदिल्ला हम लोग के पास खुद हम लोग यही है कि हमारी यही बहुत बड़ी कामयाबी है हम लोग की जो, और अलहमदिल्ला मेरे बीवी मेरे साथ खुद सपोर्ट करके हम लोग चला रहे हैं। स्टाफ भी हम लोग के पास अलहमदिल्ला अच्छा है। जो कितने बेड्स हैं आपके पास? अलहमदिल्ला हम लोग के पास 30 बेड्स है जी, जिसमें से आज 24 पेशेंट्स है। अलहमदिल्ला हम लोग का एक्सपेंशन भी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह हम लोग 50 लोग का कैपेसिटी रखते हैं। डॉक्टर वगैरह भी आपके पास है क्या अवेलेबल? कभी बिल्कुल हम लोग के पास डॉक्टर फैसिलिटी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्स फैसिलिटी है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल, सिर्फ एक नेबुलाइजर, ऑक्सीजन लेवल, सक्शन मशीन, यहाँ तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इमरजेंसी में हम लोग के पास तकरीबन चीज़ें हैं जो इमरजेंसी तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद अगर कुछ रहा तो हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि अरे तो उनके जो भी काम करते हैं ना, तो उनके लोगों के पास से आप खर्चा मंगाते हैं या फिर अपना खुद का खर्चा? देखिए, मेरे पास अभी तक 3 जनों